हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नया ट्यूटोरियल लेके, और आज हम बात करने वाले हैं कि मोस्टली लोगों को ये शिकायत होती है कि वो मेकअप के बाद भी बोलते हैं कि उनका अंडर आई जो है वो ब्लैक दिख रहा है, उनका अंडर आई जो है वो फाउंडेशन लगाने के बाद भी अंदर से वो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, एक पैच सा दिख रहा है, वो अंडर आई उनका जो भी डार्क सर्कल हैं वो हाइट नहीं हुए हैं, तो वो फाउंडेशन के बाद भी दिख रहा है, मेकअप के बाद भी दिख रहा है, कई बार होता है अंडर आई का दिख रहा है, अगर चिक्स पे कहीं पे कोई आपका कोई माउथ एरिया के साइड अगर ब्लैकनेस है तो वो आपकी फाउंडेशन के बाद भी दिख रही है, मतलब वो मेकअप के बाद भी दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो दो तीन मिस्टेक होती हैं ऐसी मेकअप करने में, इसलिए वो ऐसा होता है। अगर आपका अंडर आई पे आपको डार्क सर्कल हैं या माउथ एरिया पे आपको डार्क सर्कल हैं, तो आप कई बार क्यों दिखता है, कई बार लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देते हैं, फाउंडेशन लगा के भी डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लिया और मेकअप कर दिया। कई बार होता है कि वो कंसीलर लगाते भी हैं तो वो फाउंडेशन जैसा ही कंसीलर लगाते हैं, जैसा फाउंडेशन का शेड है वैसा कंसीलर लगाते हैं, तो कंसीलर लगाते हैं तो वो हाइट तो हो नहीं पाते हैं, उसके ऊपर से वो फाउंडेशन लगा देते हैं, तो फिर वो क्या होता है, जैसे ही आप फाउंडेशन मर्ज करोगे, जैसे ही आप ब्लेंड करोगे पूरा, वो थोड़ी देर बाद वो माउथ एरिया के पे जो ब्लैकनेस है या अंडर आई पे जो ब्लैकनेस है वो दिखने लग जाती है। तो वो क्या होता है, वो मिस्टेक करने से होता है। तो आपका भी कहीं अंडर आई ऐसा तो नहीं दिखता? अगर ऐसा दिखता है तो आप भी मिस्टेक कर रहे हैं डायरेक्ट फाउंडेशन या डायरेक्ट कंसीलर लगा के, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो आपको क्या करना है गाइस, अगर आपको जब भी मेकअप करना है सबसे पहले तो अपनी स्किन का सीटीएम बहुत अच्छे से करना है आपको। सीटीएम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीटीएम नहीं करेंगे तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। एंड अगर आपको डार्क सर्कल हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी कंसीलर नहीं लगाना है, पहले अगर ज़्यादा डार्क सर्कल है या माउथ एरिया के आसपास ज़्यादा ब्लैकनेस है, सबसे पहले आपको लगाना है ऑरेंज करेक्टर। आप ऑरेंज करेक्टर लगाएंगे, उसको लगा के हल्का हल्का सा बहुत हल्के हाथों से डैब करके उसको आप एक दो सेकंड के लिए छोड़ेंगे, देन अपने स्किन से टू शेड डार्कर कंसीलर लगाएंगे अपना अंडर आई पे एंड अपना माउथ एरिया पे, या जहाँ जहाँ भी आपको हल्की ब्लैकनेस लग रही है, डार्क सर्कल लग रहे हैं, वहाँ पे टू शेड डार्कर कंसीलर लगाएंगे, उसको भी बहुत अच्छे से धीरे 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 आप उसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप एक दो सेकंड जब देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, इतना ब्लेंड नहीं करना कि नीचे का सारा प्रोडक्ट हट जाए, कि बहुत जोर जोर से आप ब्लेंड कर रहे हो, उसको बहुत हल्के से ब्लेंड करना कि प्रोडक्ट नहीं हटना चाहिए। देन थर्ड, आप अपनी शेड का फाउंडेशन लगाएंगे उस पर और उसको अच्छे से डैबिंग मोशन में ब्लेंडिंग करेंगे। देन फिर आप जो भी लूज पाउडर आपकी स्किन टोन का है वो आप लूज पाउडर लगाएंगे, उसके बाद देन आपको जो भी अपना मेकअप करना है वो मेकअप करेंगे, तो आपका स्किन ऐसा नहीं दिखेगा, आपका अंडर आई ऐसा नहीं दिखेगा। उसके बाद अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका स्किन ऐसा दिखेगा और ये बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत फ्लॉलेस दिखेगा। तो आप लोग को ये मिस्टेक नहीं करनी है गाइस, कि आपको अगर डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाना या डायरेक्ट कंसीलर नहीं लगाना है, अगर आपको डार्क सर्कल है या कहीं भी डार्क स्पॉट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करेक्टर लगाना है, उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, देन उसके बाद आपको टू शेड डार्क कर कंसीलर लगाना है, देन फिर फाउंडेशन लगाना है, उसके बाद भी लास्ट में अगर बहुत लगता है आपको और इन्हेंस करना है अपने अंडर आई और नोज एरिया पर जो हम लोग लगाते हैं, तो आपको अपने फाउंडेशन से भी एक या दो शेड लाइटर कंसीलर लगाना है इन्हेंस करने के लिए। तो अगर आप ऐसे अपने स्किन का फाउंडेशन लगाएंगे, अपनी स्किन पे ऐसे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, अपने डार्क सर्कल पे ऐसे काम करेंगे या पैच एरिया पे ऐसे काम करेंगे, तो आपका स्किन कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा, आपका स्किन ऐसा दिखेगा। तो आज का रिव्यूज मेरा यही था गाइस, कि जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो अच्छे से लगाएं और उससे पहले अपनी स्किन का सीटीएम बहुत अच्छे से करें। मिलती हूँ, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।